हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर जो हरियाणा का एक प्रोजेक्ट हमने तय किया है, जो पलवल से शुरू होकर के और सोनीपत कुंडली तक ये अलोंग द वे ऑफ KMP इसके साथ साथ बनेगा। और मैं समझता हूँ कि इसके कारण से हरियाणा की जो प्रगति है, हरियाणा का जो आर्थिक विकास वो और ज़्यादा बनेगा। KMP का तो अपना लाभ होगा ही होगा, KMP के साथ साथ इस रेल मार्ग बनने के बाद जो ट्रैफिक दिल्ली के अंदर से रेलवे का भी होके जाता है, जिसके कंजेशन के कारण से बहुत देरी लोगों को होती है वहाँ पहुँचने में, आगे ट्रांजिट करने में, तो वो बाहर से बाहर दक्षिण हरियाणा और पश्चिम हरियाणा की गाड़ियाँ उत्तर दक्षिण भारत और पश्चिम भारत की जो गाड़ियाँ हैं उत्तर भारत की तरफ जाती हैं वो भी सब इसका उपयोग कर सकेंगी। और जितना भी इंडस्ट्री एरिया है, चाहे वो फरीदाबाद है, पलवल है, सोना है, मानेसर है अथवा गुड़गांव है, या फिर धारूहेड़ा है, पावल है, और इसके साथ जोड़ने वाले बहादुरगढ़ है, रोहतक है, कुंडली है, खरगोदा है, ये सब जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जितने IMTs बने हैं, ये सब के सब उससे लाभान्वित होंगे, उद्योगपति भी लाभान्वित होंगे। बहुत बड़ा लाभ, 130 किलोमीटर का लंबा ये रेलवे कॉरिडोर है बना, और जिसके ऊपर 41 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आज स्टेक होल्डर्स को बुला करके जो HSIDC ने मीटिंग की है, सब स्टेक होल्डर्स से अपेक्षा की जाती है कि इस प्रोजेक्ट को ज्वाइंटली हम लोग चलाएं, ताकि इसका जल्दी से निर्माण भी हो सके, और इसके कारण से अतिरिक्त जो रेलवे की और जो लाइनें हैं उनको भी फिजिबिलिटी उसकी एक प्रकार से सुनिश्चित करने के लिए हमने HR IDC को कहा है कि वो उसकी भी फिजिबिलिटी।